तो मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का मेरे इस जबरदस्त डेटा साइंस के इस सीरीज में। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली डेटा साइंस क्या होता है। तो मेरा नाम है मुकेश, चलो शुरू करते हैं। तो डेटा साइंस को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मैं डेटा साइंस को ऐसे डिफाइन करूंगा कि डेटा से कुछ मीनिंगफुल करना, उसको मैं बोलूंगा डेटा साइंस। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। लेट्स से कि मैं फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, किसी के पोस्ट पे कमेंट कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, गूगल में कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो ये सब मैं डेटा जनरेट कर रहा हूँ। तो कंपनीज क्या करती हैं, ये सब डेटा जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इनको प्रोसेस करके इनसे कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश करती है। एंड दैट इज वॉट डेटा साइंस इज। तो यही है डेटा साइंस। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं तुम लोग को बताता हूँ, तो तुम लोग को बेटर समझ में आएगा। सपोज करो मैंने गूगल पे सर्च किया लैपटॉप्स, फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया है, फेसबुक ओपन किया, तो तुरंत ही मेरे को लैपटॉप से रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं। उसको बोलते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। ये डेटा साइंस ही तो है। सपोज कि मैं गूगल मैप्स यूज करता हूँ, उसमें मैंने करंट लोकेशन डाला और डेस्टिनेशन सेट किया, तो मेरे को पता चल जाता है कि बेस्ट रूट कौन सा होगा। उतना ही नहीं, और टाइम भी पता चल जाता है कि मैं कितनी देर में पहुंचूंगा। डेटा साइंस ही तो है यार ये सब। सपोज मैं FB पे एक इमेज पोस्ट करता हूँ, उसमें उस इमेज में जो जो लोग हैं वो अपने आप टैग हो जाते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों का इमेज रिकॉग उनका फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है। ये भी डेटा साइंस है। मैं यूट्यूब चलाता हूँ, मेरे को होम स्क्रीन पे रिकमेंडेशन आते हैं, जैसे ऐसे मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब मेरे को वैसे वैसे वीडियोस ही सजेस्ट करता है। ये सब डेटा साइंस है। फ्लिपकार्ट पे मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, तो फिर उससे रिलेटेड मेरे को रिकमेंडेशन आते हैं। सब ये सब डेटा साइंस है। इतना ही नहीं, डेटा साइंस का मेडिकल साइंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में भी यूज किया जा सकता है। किसी पेशेंट्स की हिस्ट्री देख के प्रिडिक्ट करना कि अगर कोई नया पेशेंट आता है तो उसको मेडिसिन ए दी जाए या मेडिसिन बी दी जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जहां पे डेटा साइंस का यूज होता है। तो अगर मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूं, तो मेरे को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। तो देखो, डेटा दो फॉर्म में हो सकता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब हम लोग को बना बनाया डेटा मिल गया, लेट्स से एक एक्सेल शीट मिल गई, एक CSV फाइल मिल गया, बना बनाया मिल गया। और अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जो कि हम लोग को लेट्स से एक वेब से एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है डेटा, हम लोग को वीडियो से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, हम लोग को PDF फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड। डेटा जिस भी फॉर्म में हो, उससे सबसे पहले हम लोग को कलेक्ट करना है। ठीक है, एक बार डेटा कलेक्ट हो गया, देन सेकेंड स्टेप आता है हमारा डेटा क्लीनिंग। हो सकता है जो डेटा हमारे पास है उसमें कुछ नल वैल्यूज हो, कुछ मिसिंग वैल्यूज हो, या कुछ रोज या कॉलम डिलीट करना हो जिसकी मेरे को जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पेंडास। पाइथन में एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंडास। पेंडास से हम लोग कोई भी फाइल रीड कर सकते हैं एंड देन क्लीन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में आता है हमारे पास डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। तो जो डेटा हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके क्लीन किया, उसका हम लोग देन यूज करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। एनालिसिस कैसे करते हैं, विजुअलाइज करके अलग अलग चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, बार चार्ट। ठीक है, तो इससे हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं। तो डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास टूल्स हैं पाइथन में मैटप्लॉटलिब, इससे हम लोग अलग अलग चार्ट बना सकते हैं। एंड इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जैसे कि पावर BI, टाबलू, बट ये ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स हैं, ये हम लोग नहीं यूज करेंगे इस सीरीज में। सो अगर हम लोगों को इतनी चीज आ गई, राइट, डेटा एनालिस करने के बाद मैं डेटा से इंसाइट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, उससे कुछ मतलब मैं कुछ मीनिंगफुल बता सकूँ, राइट, तो ये अगर मैं इतना कर लूंगा तो मैं अपने आप को डेटा एनालिस्ट बोल सकता हूँ। ठीक है, इतना अगर मैं कर लिया, ये तीन स्टेप्स मैंने कर लिए तो। बट बीइंग एन डेटा साइंटिस्ट, मेरे को डेटा एनालिस्ट भी करना है एंड देन प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करना है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज करके। तो डेटा साइंस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक है डेटा एनालिस्ट एंड देन प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग टेक्निक। ओके, सो अब आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप पे, जो कि है मॉडल क्रिएशन का। तो एक बार मैंने डेटा एनालाइज किया, देन मैं ये इस कंक्लू ये देन मैं ये डिसाइड करूंगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेस्ट होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। देन मैं वो एल्गोरिदम यूज करूंगा एंड एक मॉडल बनाऊंगा। अब तुम लोग बोलोगे मॉडल क्या, मॉडल और कुछ नहीं होता है, मॉडल एक बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लोग कुछ इनपुट देंगे देन वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो एक बार मॉडल बन गया, देन फिफ्थ स्टेप में आता है हम लोग उस मॉडल का यूज कर सकते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए, कुछ उस मॉडल का यूज करके कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस, तो ये एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक डेटा साइंटिस्ट को। तो यूजुअली ये 5 स्टेप्स होते हैं बट देन वेरी कर सकते हैं। तो होपफुली अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि
एग्जैक्टली डेटा साइंस क्या होता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, तो मिलता हूँ तुम लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।